सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ट्राइबर 2021 का रिव्यू लाओ अच्छा मैं सिंपल सिंपल बात कर देता हूँ ये ट्राइ ट्राइबर का 2021 वेरिएंट है और ये आर एक्स टी वेरियंट है ठीक है और अब एडिशंस क्या हुए हैं मैं सिंपल सिंपल जाता हूँ सबसे पहला एडिशन जो सब लोग मतलब ऐसे कहते थे और सब लोग ना वो इसकी वो जो फीचर है ना वो इसको ये मतलब उसको ना कॉन्स में ऐड करते थे लेकिन वो फीचर अब रैनों ने इसमें दे दिया वो है स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और देखिए ये स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है मैं मतलब ये चीज़ सबने बता दिया कि मतलब स्टेर माउंटेड कंट्रोल्स दी हैं लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है क्वालिटी बहुत सही है और ये अप डाउन करने के लिए ठीक है सब कुछ करना चेंज करने के लिए ये वॉल्यूम के और उस साइड पे कॉल्स के बटन और ये जो है ये एम टी वेरियंट है तो ये तो मैंने बता दिया था ठीक है अंदर से तो सिर्फ एक ये चेंज हुआ है और दूसरा चेंज क्या है जो मतलब काफ़ी लोग वेट कर रहे थे एक तो डोल डू, हॉर्न तो सब लोगों को पता है डोल हॉर्न तो हुआ ही हुआ है और एक चीज़ से ना इसमें से मतलब ऐसे वो किया इसके टॉप मॉडल पे टॉप मॉडल में ना आर एग जेड पर यहाँ पर फिनिशिंग मिलती थी अच्छी लैद राइट ठीक है और मतलब वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग थी वो यहाँ से हटा दी हुई है अच्छा अब बाहर आते हैं बाहर क्या है जो बाहर चीज़ ऐड की है वो है ये हमें अब जो है यहाँ पे ओ आर वी एम पे इंडिकेटर्स दे दिए हैं पर यहाँ से ब्लैक लाइडिंग से इंडिकेटर्स हटा दिए हुए हैं दूसरा जो फीचर इन्होंने ऐड किया है वो है ये और बाहर से तो लुक्स में कोई डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं है अब डायमेंशन वगैरह देख लो कोई चेंज नहीं है डायमेंशन वगैरह में कहीं से भी कुछ नहीं है लेकिन ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि एक तो डोल हॉर्न ठीक है दूसरा हमें यहाँ पर इंडिकेटर्स दे दिए हुए हैं ठीक है और अंदर से हमें ड्राइवर साइड सीट पे ये जो स्टेरिंग माउंटेन कंट्रोल्स हैं, वो दे दिए हैं और बिल्कुल न्यू कार है ब्रांड न्यू कार है ठीक है अभी स्टॉक स्टॉक यार्ड में खड़ी है बाकी तो यहां पे हमें वो दिया हुआ है तो अब जैसे कि कंपनी ने ना कुछ चीज ऐड की है तो कुछ चीजें ना कंपनी ने मतलब हटाए भी हैं अब जो 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 आर एक्स टी वेरियंट है उसमें से क्या चीज़ कंपनी ने हटाई है पहली चीज़ तो जो सामने आपको दिख रही है इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसमें अब इको स्कोरिंग नहीं आती है और वो इको स्कोरिंग ना पहले पहले बहुत ज़्यादा काम मतलब काम में आती थी, थी और मेरे को अभी भी कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि अब जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन मॉडल है उसमें इको स्कोरिंग नहीं दी है तो अब हम कैसे करें तो मतलब क्या करें और कैसे करें इको स्कोरिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इस ट्वेंटी ट्वेंटी वन मॉडल में अब आपको इको स्कोरिंग का ऑप्शन नहीं है तो अब जो आप मतलब इको स्कोरिंग से आप मतलब जो भी सोचते थे कि इतना स्कोर आएगा तो हम ऐसे हम इतनी मिलेगी अब वो आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है तो सिंपल बात है अब आप, आप खुद अंदाजा लगाओ और सबसे बड़ी बात है आपको अभी भी मतलब जो एम है एम तो मिल रही है तो, तो आप एम यूज करो और एम में जो भी माइलेज यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस माइलेज आप यूज करो मतलब एम आपको दी हुई तो एम यूज करो उसमें जो इंस्टेंटेनियस माइलेज का ऑप्शन है उसको अच्छे से यूज करो और बस मतलब वहाँ से आप माइलेज जो है अपनी इंक्रीज कर सकते हो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे है अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मतलब ठीक है अच्छा मैं ना ये न्यू कार में बैठा हुआ तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छी फील आ रही है अपनी ड्राइवर में मुझे इतनी अच्छी फील नहीं आती जिस जितनी मुझे इसमें अच्छी इसमें आ रही है क्योंकि ये बिल्कुल नई कार है बिल्कुल ब्रांड न्यू अच्छा तो जब हम इसकी ड्राइवर साइड पे आते हैं ना तो यहाँ पे हमें कोई भी मतलब जो हाइट एडजस्टेबल फीचर है ना वो इस वाली इस वाले वेरिएंट में नहीं है और एक बार चेक कर लेते हैं और बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अब आपको जो आर है इसमें तो आपको हाइट एडजस्टेबल भी नहीं मिलता और हाइट एडजस्टेबल छोड़ो इसमें आपको नीचे ग्लव बॉक्स भी नहीं मिल रहा जो सीट के नीचे आता था हाइट एडजस्टेबल के लिए नहीं है ना नहीं बिल्कुल भी नहीं ये आगे पीछे करने के लिए है, इसको एक स्कोरिंग लाइन करने के लिए हाइट एडजस्टेबल ये नहीं है तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन नहीं मिलता तो यही छोटे छोटे फीचर्स हैं जो इसमें कंपनी ने ऐड किए हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो ऐड कर रहे हैं वो तो काफ़ी हैं लेकिन सब्ट्रैक्ट भी कर दिए हैं एको स्कोरिंग फिर ग्लव बॉक्स नीचे से हटा दिया हुआ है तो यही चीज़ें हैं ठीक है पह, अगर कंपनी यही कंपनी एक चीज़ कर सकती थी कंपनी इसमें ना एल ई डी का ऑप्शन दे सकती थी लेकिन कंपनी ने अब तक वो भी नहीं दिया तो ये चीज़ काफ़ी गलत है और प्राइस जो है वो फिर भी उतना ही है तो चलो गाइज़ यही था इस छोटी सी वीडियो में ये आर एक्स टी है मैं बाकी वेरियंट्स का भी ऐसे ही लेके आऊँगा तो थैंक यू गाइज